आज का ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाया हुआ शिव बाबा का माउंट आबू का क्लास है 30 अक्टूबर 1966 रविवार को रिकॉर्ड चला। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है, किसे पाके उसे पाके जो इस निराकारी दुनिया में आकर के विश्व की बात सही देता है। सारे जहान की ताकत दे देता है, नरको नारायण बना देता है। वो नर ही ये गीत गा सकता है, जिस नर से नारायण बनने वाले के राज्य में सब यथा राजा तथा प्रजा हुआ करते हैं। वो गीत गाते हैं, दिल का गीत गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। आज की दुनिया के तो देश देश में जमीन के बंटवारे हुए पड़े हैं। अरे देश देश के छोड़ो, घर घर में जमीन के बंटवारे हुए पड़े, और वो बेहद का आत्माओं का बाप जो आत्माओं की तरह अणु अणियान अणु से भी अणु अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु निराकार शिव है, वो आ करके सारी जमीन हम बच्चों को देता है, भारत को देता है। आज तो देश देश में आसमान के भी हिस्से बटे हुए हैं, समंदर भी बटा हुआ है। वो आता है तो सारी दुनिया का आसमान हमारा है, सारी दुनिया की जमीन हमारी है, सारा सागर ही हमारा है। क्योंकि वो बेहद का ज्ञान सागर बाप है, जो जन्म मरण के चक्कर में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, इसलिए हम सब अज्ञानी हैं। क्योंकि अपन को देह समझ बैठे हैं, वो बाप आकर के बताता है आत्माओं का कि तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो, ब्रकुटी के मध्य में बैठी हुई हो। ब्रकुटी इसीलिए कहा जाता है कि वो आत्मा का स्थान बड़ी पूरी कुटी है। ऐसे नहीं है कि राजा कोई नीचे स्थान में बैठेगा, आत्मा का ये शरीर राज्य है और राजा
राज के ऊंचे स्थान में मूर्धन्य स्थान में ब्रकुटी के बीच में विराजमान है। इसका प्रूफ है, ब्रकुटी के बीच में गोली मारी जाए तो तुरंत खत्म हो जाएगा, देह छूट जाएगी और शरीर के किसी दूसरे अंग में गोली मारी जाए तो जैसे इंदिरा गांधी को छाती में 27 गोलियां दागी गई फिर भी एक इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते रहे, जीवित रहने की संभावना थी। अगर मारने वाले बलवंत सिंह को पता होता कि ब्रकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है तो वो एक ही गोली में निशाने से खेल खलास कर सकता था। तो देखो ये दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर हम 84 के चक्र में आकर के बात बात के शरीर लो करके पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाने वाली हम आत्मा है न कि शरीर, हम आत्माओं को वो बेहद का बाप आकर के ज्ञान देते हैं कि तुम आत्माएं पार्टदारी हो। ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आने वाली हो और कम से कम इस सृष्टि में एक जन्म जरूर लेती हो। मैं जो नई सृष्टि रचता हूं अर्थात शिव बाप आकर के इस सृष्टि में जो नई सृष्टि रचते हैं वो बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। सच्चाई एक होती है, सच्चाई अनेक नहीं हो सकती और इस कलयुगी दुनिया में नंबरवार सब सच्चे हैं और नंबरवार सब झूठे हैं, परंतु 100% सच्चा कोई भी नहीं। वो बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे तुम पार्टधारी आत्मा हो इस रंगमंच पर और तुम आत्मा अनेक जन्मों में अनेक चोले लेकर के क्या क्या पार्ट बजाते हो वो मैं इस सृष्टि पर आकर के तुमको बताता हूं। ये ज्ञान एक परमपिता परमात्मा शिव के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वो ज्ञान का दाता है एक है और अज्ञान के दाता अनेक है। जो अनेक मनुष्य गुरु अज्ञान के दाता हैं, उनके आने के बाद हिस्ट्री में ये साबित होता है, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मिलती है, वो सब नीचे गिरते हैं, विकारों में गोते खाते रहते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने का कारण क्या है? कारण एक ही है,
जो वेदों में भी बखान किया गया है, रिते ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती है, दुखों से मुक्ति नहीं होती है, विकारों से मुक्ति नहीं होती है, इस बंधन की दुनिया से मुक्ति नहीं होती है, देह से मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान से जन्म जन्मांतर का क्या होता है, बंधन होता है। सब देह के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर कोई चाहे, चाहते भी हैं कि हम सुइसाइड कर लें, देह के बंधन से मुक्त हो जावें, परंतु उन्हें पता नहीं है कि और ही जास्ती बंधन में बंध जाते हैं। भूत प्रेत का चोला मिलता है, भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारियों को कहा जाता है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता कर्म करने के लिए, वो कर्मों के बंधन से तो छूटती हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक भटकती रहती है। इसी दुनिया में भटक भटक करके जब उनके पापों का बोझ खत्म हो जाता है या पापों का बोझ ढीला हो जाता है, तब उनको जाके जन्म मिलता है। इसलिए गीता में कहा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। देवकताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, फरिश्तों की उपासना करने वाले फरिश्तों से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों की पुजारी भूतों से प्राप्ति करते हैं, और जन्म जन्मांतर भूत प्रेतियों में जाते हैं। तो भला बताओ, सबसे ऊंचे से ऊंचे प्राप्ति कौन कराने वाला है? मनुष्य आत्माएं प्राप्ति कराती हैं। जो मनुष्य आत्माएं, चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, खुद भी देह के बंधन में आते रहे, खुद भी नीचे गिरे और सारी दुनिया की मेंटेलिटी नीचे गिरती गई, दुनिया में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मनुष्यों के अज्ञान के कारण बढ़ता रहा। इसे साबित होता है कि नर जिसे मनुष्य कहा जाता है मननात् मनुष्य, मन चलाए मन जिसका होता है, वो मनुष्य कहो नरक हो वो नरक बनाता है इस दुनिया को, और नरको नारायण कौन बनाता है? एक ही भगवान है जो नरको नारायण बनाता है। परंतु मनुष्य गुरुओं ने श्रीमद् भगवद् गीता, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो एकमात्र ग्रंथ है जो भगवद् गीता गाई हुई है, भगवान की गाई हुई गीता, वो भगवद् गीता में जो भगवद् गीता व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से हम सबको मिले, भारतवासियों को खास, वो गीता में साकार कृष्ण का नाम डाल लिया, पुराने पुराने प्राचीन यूरोपीय विद्वानों ने
प्रूफ दे करके साबित किया है कि पहले पहले ये गीता एक निराकारवादी रचना थी, बाद में जो कृष्ण प्रेमी भक्त थे उन्होंने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। अब सोचने की बात है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण गायन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव अर्थात जो कृष्ण है वो ही नारायण है, नारायण विश्व का मालिक है, ऐसा विश्व का मालिक सतयुग में हुआ जिसके होने की बात शास्त्रों में भी लिखी है कि सतयुग में नारायण का राज्य था और वो सतयुग की स्थापना सत्य बाप ही आकर के करती है, जिनके लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सुंदर दुनिया की रचना करते हैं, शिवम माना कल्याणकारी दुनिया की रचना रचते हैं, वो देवताएं कल्याणकारी कहे जाते हैं, उनके द्वारा किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए आज भी भारत में मंदिरों में उन देवी देवताओं की पूजा होती है, पूजा का आधार है पवित्रता, पवित्रता कहो सच्चाई कहो देवत्व कहो, वो देने वाली आत्माओं को देवता कहा जाता है, वो किसी से लेने की इच्छा नहीं करती सिवाय भगवान के, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाता है, ऐसा देवता बनाता है, ऐसे युग की रचना करता है जहां कृष्ण जो बड़ा होकर के नारायण कहा जाता है उसी की महाराजा के रूप में मान्यता है। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, त्रेता में राम का राज्य होता है, ये राम कृष्ण की दुनिया है सतयुग और त्रेता, परंतु ये 2500 वर्ष की दुनिया सतयुग और त्रेता सुख की दुनिया है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे तो रामायण में भी गाया हुआ है राम राज्य, परंतु विकारी बुद्धि मनुष्यों ने राम राज्य में भी रावण दिखाई दिया। नारायण के राज्य सतयुग में भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस दिखाई दिए। वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के झूठ खंड का विनाश करते हैं। झूठ खंड है ही कलयुग, जिसे कलह क्लेश का युग कहा जाता है। कलह क्लेश के युग में सब दुखी होते हैं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई संबंधियों से दुखी, ऐसी इस सृष्टि की एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो दुखी जीवन न अनुभव करती हो, क्योंकि ये 2500 वर्ष की जो दुनिया है इसमें मनुष्य गुरुओं का साम्राज्य होता है। इब्राहिम 2500 वर्ष पहले आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, बुद्ध ने आकर के 250 वर्ष के बाद
चीन जापान देशों में बौद्ध धर्म की रचना की। क्राइस्ट ने आकर के 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म की यूरोपीय खंडों में स्थापना की। ये मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं, बाकी तो इनके सहयोगी धर्म है। जैसे बुद्ध धर्म का सहयोगी बाद में हुआ संन्यास धर्म, शंकराचार्य के द्वारा चलाया हुआ। इब्राहिम का सहयोगी धर्म हुआ मुस्लिम धर्म, आज से 1450 वर्ष पूर्व मोहम्मद ने आकर के इस्लामियों के अंधश्रद्धा को तोड़ा। जो इस्लामी भारत के भारतवासी मनुष्यों की तरह मूर्तियों के उपासक थे, उन मूर्तियों का मोहम्मद ने आकर के खंडन कर दिया। कहने का तात्पर्य है, चार ही मुख्य धर्म हैं और चारों ही मुख्य धर्म के जो पूर्वज आत्माएं हैं वो हमारे भारतवर्ष से उभरती हैं। वो चार आत्माएं ब्रह्मा के चार पुत्र माने गए हैं, पहलौटी के चार पुत्र। मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए, क्योंकि 10 इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, प्रबल हैं, परंतु 10 इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ मन है। मन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो मनसा की पावर से ब्रह्मा ने जिन चार पुत्रों को उत्पन्न किया उनमें बड़े से बड़ा ज्ञानी पुत्र माना गया सनत कुमार, जिन सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम देवी देवता सनातन धर्म हुआ। ये देवी देवता सनातन धर्म, सनातन का मतलब ही है पुराने से पुराना, इब्राहिम के इस्लाम धर्म से भी पुराना, क्राइस्ट के क्रिश्चियन धर्म से भी पुराना। तो जितने भी धर्म हुए 2000 वर्ष के अंदर वो सब मनुष्य धर्म पिताएं हैं। अपने अपने धर्म के पिता जरूर हैं, अपने अपने धर्म के बाप हैं, लेकिन धर्म पिताओं ने भी अपने बाप को स्वीकार किया है। मुसलमान या इस्लामी अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियंस गॉड फादर को मानते हैं, लेकिन उसको निराकार समझते हैं, उसके साकार विग्रह को नहीं पहचान पाते। जैसे आत्मा निराकार है, ज्योतिबिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु है, इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं निराकार। तो आत्मा जैसे निराकार है वो शरीर के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, जिसे शिव कहा जाता है, जिसका साकार विग्रह मंदिरों में लिंग के रूप में बड़ा पूजा जाता है, बड़े रूप में,
आज भी दुनिया में सबसे जास्ती शिव के मंदिर बने हुए हैं और देवताओं के मुकाबले, और किसी देवता के इतने मंदिर नहीं। पुरानी से पुरानी खुदाइयों में भी जितनी भी दुनिया की पुरानी खुदाइयां हुई हैं, उनमें वो निराकार की यादगार लिंग मूर्तियां ही मिली है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि वो सदैव बिंदु ही रहता है, नहीं, वो साकार शरीर में प्रवेश भी करता है, जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं। ये जैसे कहा जाता है कि शंकराचार्य ने एक राजा के तन में प्रवेश करके पाठ बजाया, ऐसे ही वो शिव परम पिता परमात्मा प्रवेश करने योग्य है। इसलिए गीता में एक शब्द आया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। अगर प्रवेश नहीं करेगा तो स्वर्ग की दुनिया कैसे रचेगा? रचने वाला रचयिता तो साकार ही चाहिए ना। कुमार गढ़े की रचना रचता है तो गढ़ा भी साकार और रचने वाला भी साकार। बाकी निराकार जो है वो तो निराकारी दुनिया का वासी है। जिस निराकारी दुनिया में हम सब आत्माएं पहले कभी रही पड़ी थी, आज से ठीक 5000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष की सृष्टि है स्वर्ग की, रामकृष्ण की दुनिया जिसकी हिस्ट्री का मनुष्यों को पता नहीं है, शास्त्रों में अगड़म बगड़म करके लिख दिया है। कहावत है, कै समझे कभी, कै समझे रवि, रवि ज्ञान सूर्य को कहा जाता है। वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तब बताता है कि बच्चे इस सृष्टि में आधा समय सुख की दुनिया है जो मैं रचता हूं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। उस स्वर्ग को मुसलमान लोग भी जन्नत के रूप में याद करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी पैराडाइज के रूप में याद करते हैं, और क्रिश्चियंस की मान्यता भी है कि भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। वो ये भी मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, परंतु गहरी हिस्ट्री किसी को पता नहीं। वो भगवान बाप शिव आकर के बताते हैं, किसी साकार मनुष्य में आकर के बताते हैं। वो साकार मनुष्य का तन शिव बाप का रथ है, जो गीता में अर्जुन के रथ में रथ के रूप में दिखाया गया है। अर्जुन अर्थात सदभाग्य का अर्जन करने वाला, नारायण ही सदभाग्य का अर्जन करने वाला है 100%, बाकी मनुष्य नंबर बार। 100% सदभाग्य क्या, वही 100% सदभाग्य है जो नारायण सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करता है। 500-700 करोड़ की दुनिया के लिए भी कंट्रोलर है,
दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, लेकिन कोई भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि उनका रास्ता ही गलत था। उनका रास्ता था हिंसक, हिंसा के आधार पर सारे विश्व पर कंट्रोल करना चाहते थे। और भगवान हिंसा सिखाएगा? आज के जो धर्मात्माएं हैं वो भी कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। तो भगवान जो सुख का सागर कहा जाता है, वो आकर के महाभारत का खूनखार युद्ध कराते हैं? नहीं, भगवान आकर के अहिंसक युद्ध कराते हैं। वो अहिंसक युद्ध है ही सत्य और असत्य का युद्ध, विकारियों और निर्विकारी देव आत्माओं का युद्ध। द्वैतवादी द्वापर युग से जो द्वैतवादी धर्म आए, जिन्होंने आकर के दुनिया में दो दो धर्म, दो दो राज्य चलाए, दो दो भाषाएं चलाई, दो दो प्रकार के रीति रस्म रिवाज चलाए, भारत की देवात्माएं जो द्वापर युग से अपन को न जानने के कारण हिंदू कहलाने लगे, उनकी रस्म रिवाज चली कि मृत्यु होने के बाद शरीर को जलाए देना चाहिए, और मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में क्या रिवाज चली? नहीं, जलाना नहीं चाहिए, जमीन दोज कर देना चाहिए, जमीन में गाड़ देना चाहिए। जलाएंगे तो जिनके शरीर को जलाया गया उनको कष्ट होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं। शरीर अलग चीज है, पांच तत्वों का बना हुआ, और आत्मा अलग चीज है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो उन्होंने ये रस्म चला दी। वो नहीं जानते हैं कि सारे रीति रस्म रिवाज जब भगवान कलयुग के अंत में आते हैं और सत्य युग की स्थापना करते हैं, सत्य बाप आकर सत्य ज्ञान सुनाकर। उस समय की बात है, जिन्होंने भगवान का पूरा ज्ञान उठाया, उनकी बुद्धि में बैठा कि आत्मा बिल्कुल अलग चीज है, अविनाशी है, वो जलाई नहीं जा सकती। गीता के वचन के अनुसार भी काटी नहीं जा सकती, सड़ाई नहीं जा सकती। आत्मा तो अकाट्य है। इस बात की गहराई को और धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो हिंदू हैं भारत के, वो और धर्मों का प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इस बात को भूल गए कि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी। आत्माओं का बाप वो अल्लाह मियां जो कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वो गॉड भी इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर मनुष्य तन धारण करता है, परंतु भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य गुरुओं के द्वारा अज्ञान का पहाड़ इकट्ठा कर दिया जाता है।
वो ज्ञान का बड़े से बड़ा पहाड़ है कि भगवान हम में है, तुम में है, जानवरों में है, हैग्रीव अवतार लेता है, सुअर का अवतार लेता है, शेर का अवतार लेता है। अरे भगवान जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान सुनाने के लिए मनुष्यों का आधार लेगा, मनुष्यों को ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को सुधारेगा? जानवर ज्ञान को समझेंगे या मनुष्य ही समझ सकता है? समझ का काम और समझाने का काम मनुष्यों का है या जानवरों का है? मनुष्यों का है। मनुष्य में मन प्रधान है। मन प्रधान होने के कारण मनुष्य सच्चाई को और झूठ को परख सकता है बुद्धि के आधार। और भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सब आत्मा एक जैसा धारण नहीं कर सकती। कोई भी स्कूल में, विद्यालय में चले जाओ, सारे स्टूडेंट्स एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो भगवान भी सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र का जगत गुरु बनता है। जगत गुरु का काम ही है सारे जगत की आत्माओं का उद्धार करना। गुरु उसे कहा जाता है जो भारी हो। वो एक ही आत्मा है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबके सामने भारी है, ताकतवर है। त्रिकालदर्शी होने के कारण हम सब मनुष्य आत्माएं तो अल्पज्ञ हैं। वो बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि मैं जब आता हूं तो ये जो रीति रस्म रिवाज चलते हैं उनकी शूटिंग भी तुम बच्चों के द्वारा होती है। नंबर बात, जो मेरे सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ज्ञान सूर्य का पूरा ज्ञान उठाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। वो सूर्यवंशी प्रजा भी ज्ञान में बहुत प्रबल होती है। उनके अलावा जो और वंश की आत्माएं हैं, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि 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 आदि, आज भी दुनिया में 9 धर्म फैले हुए हैं जो भगवान को कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से मानने वाले हैं। एक ऐसा है जो भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, स्वर्ग को भी नहीं मानता, नरक को भी नहीं मानता। उसे आस्तिक कहेंगे या नास्तिक? वो नास्तिक। वो है रशियंस। नास्तिक होने के कारण, भगवान को भी न मानने के कारण, अच्छे से अच्छा काम करेंगे या खराब से खराब काम करेंगे? क्या खराब काम करते हैं? जैसे मूर्ख के लिए बताया कालिदास ने, मूर्ख जिस डाली पर बैठता है उसी डाली को काटता है। उसकी बुद्धि में ये नहीं है, ये डाली गिरेगी तो हम भी धड़ाम से मर जाएंगे। ऐसे ही ये रशियंस ने क्या किया? एटम बम बना डाले। बुद्धि की तीक्ष्णता का दिखावा करके संसार को ऐसा खतरनाक बारूद बना डाला जो सारी दुनिया आज
बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। वो स्वयं भी अंदर से डरते हैं कि अगर हमने इनका विस्फोट किया तो दुनिया भी भस्म होगी और हम भी भस्म हो जावे। इसलिए जब से भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, ।1936 से पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान दुनिया में नहीं था। 1945 में वो 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गईं जापान में और भयंकर विनाश हो गया। आज तो हजारों हजार मेगावाट के वो बॉम्ब बने हुए हैं जो इस तरह की कई दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो उन बॉम्ब को निर्माण करने वाले नास्तिकों में ये ताकत नहीं है कि वो उनका विस्फोट कर सके। वास्तव में तो उनमें वो भी ताकत नहीं थी जो निर्माण कर सके, क्योंकि हमारे यहां एक बड़े से बड़ा देवता गाया हुआ है जिसके नाम के साथ हर हर बम बम जुड़ा हुआ है। वो देवता को ब्रकुटी के मध्य में एक तीसरा नेत्र दिखाते हैं। उस नेत्र को क्या कहते हैं? शिव नेत्र। वास्तव में वो कोई तीसरा नेत्र नहीं होता है, वो भगवान बाप शिव ही इस मनुष्य सृष्टि में जो श्रेष्ठ देवात्माएं हैं, उन देवात्माओं में भी जो श्रेष्ठ तीन मूर्तियां गाई हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनमें भी गाया जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और महादेव। तो कौन बड़ा हुआ? महादेव बड़ा हुआ। भारत की हिस्ट्री में देख लो, ये परंपरा वहां से चलती है जहां से भगवान आते हैं इस सृष्टि पर। गीता में भी लिखा हुआ है, भले वो गीता व्यास प्रसादा, दाढ़ी मूछ वाले व्यास के प्रसाद से मिली है। दाढ़ी मूछ देवताओं की होती है या मनुष्यों को? हैं? मनुष्यों को होती है। मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? भिखारी होते हैं। कम से कम भिखारी भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी भिखारी हो सकते हैं। तो जो गीता लिखी है वो भी मनुष्य गुरु के द्वारा लिखी गई, जिस मनुष्य गुरु ने बाद में ये स्वीकार कर लिया कि आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान सर्वव्यापी है। अब बताओ, भगवान अगर सर्व में व्यापी है तो ऊंचते ऊंच भगवान जो गाया हुआ है उसको सबके अंदर हमारी बुद्धि याद करेगी तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र बनेगी? तो देखो मनुष्य गुरुओं ने क्या कर दिया, साहब की बुद्धि बिखर गई। मन बुद्धि रूपी आत्मा एकदम विकृत बन गई, चंचल बन गई। ऐसी स्थिति जब हो जाती है सारी मनुष्य सृष्टि की,
हिंदू भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, मुसलमान भी कहते हैं जर्रे जर्रे में भगवान वो अल्लाह मियां है, हिंदू भी कहते हैं कण कण में भगवान। जब ऐसी बात हो जाती है सारे संसार के मनुष्य मात्र में, तब भगवान करके हमको राजयोग सिखाते हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। किसके साथ योग? आत्मा का, परमपिता परमात्मा शिव के साथ योग। कैसे पता चले कि वो परमपिता परमात्मा एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? अरे दुनिया में राक्षसों से जो बहुत पाप करते हैं, दुख देते हैं, उनसे ऊंचे मनुष्य गाए हुए हैं, मनुष्यों से ऊंचे देवताएं गाए हुए हैं, देवताओं से ऊंचा महादेव गाया हुआ है, और महादेव से भी ऊंचा जो महादेव शंकर याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है मोस्टली। याद कोई अपन ऊंचे को करेगा या नीचे को करेगा? ऊंच को ही याद किया जाता है, तो वो किसको याद करता है? उससे ऊंचा कौन? वो महादेव भी देव आत्मा है, मनुष्य को देव बनाने वाला एक ही भगवान है, परंतु वो भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में कोई पापी कलयुग की स्थापना नहीं की थी। भगवान ऐसा काम करेगा? दुखी सृष्टि का निर्माण करके जाएगा? नहीं, ये सब विकृत बुद्धि मनुष्यों की भूले हैं। भगवान तो इस झूठी सृष्टि में आकर के सच्ची सतयुगी सृष्टि का निर्माण करता है, जिस सृष्टि के लिए, झूठी सृष्टि के लिए तुलसीदास ने भी 500 वर्ष पहले लिख दिया था, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। रग रग में मनुष्य के झूठ भरा पड़ा है। ऐसी जब झूठी दुनिया हो जाती है, तब उनको सच्चा बनाने के लिए सच्चा पाचा सच्चा भगवान सृष्टि है, और सर्वव्यापी होकर के नहीं आता है, एक व्यापी होकर के आता है। एक मनुष्य के रथ में आता है, सबसे जास्ती भाग्यशाली आया हुआ है, जिसका पुरुषार्थ संपन्न होने पर वो नारायण कहा जाता है। नार माने ज्ञान जल, ज्ञान माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर बना हुआ है। दुनिया में सबसे जास्ती ज्ञानी कौन कहेंगे? त्रिशूल, शिव की तीन मूर्तियां, परंतु उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन? देवदेव, महादेव। ब्रह्मा को तीसरा नेत्र शिव नेत्र नहीं दिखाते, विष्णु को भी तीसरा नेत्र शिव नेत्र नहीं दिखाते, किसको दिखाते हैं? महादेव को ही तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाते हैं, द्वारा भगवान बाप ज्ञानियों में मूर्धन्य के रूप में संसार में प्रकट होता है। जो निराकार ही है, माना जिसमें प्रवेश करता है
तो ऐसा पुरुषार्थ खाता है। तुम अपन ज्योति बिंदु आत्मा समझते हुए मुझे परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को याद करो। आत्मा परमात्मा की योग है, जिसको याद करेंगे तुम भी वैसे ही बन जाएंगे, चोरों के साथ रहेंगे, चोरों को याद करेंगे तो कौन से गुण आएंगे, चोरी के गुण आएंगे, डकैतों के साथ रहेंगे डकैती के गुण आ जाएंगे, डकैत बन जाएंगे। अब उपासना करनी है को माने नजदीक, आसना माने आसन मार के बैठना, शरीर के आसन मार के बैठने की बात नहीं है, ये मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है। अपन को मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु समझते हुए तो परम पिता परमात्मा के ज्योति को याद करो, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग है। वो शिवलिंग साकार शंकर की यादगार है, परंतु गलती से मनुष्य ने शिव शंकर को एक ही आत्मा समझ लिया। अरे शिव माना कल्याणकारी और शंकर माने संसारकारी, संसार का शमन कर देता है, संसार में जो अशांत संसार हो जाता है उसको शांत करता है। कैसे? हर हर बम बम, जो एटमिक एनर्जी वो नास्तिक है, जो अपने को बड़ा अहंकारी समझते हैं, समझते हैं हमें ही भगवान है, हम चाहे तो सेकंडों में तुम सारी दुनिया को भस्म कर सकते, इतनी हमारे पास ताकत है। उनकी बुद्धि को घुमाने वाला कौन है, उनको प्रेरणा देने वाला कौन है, जो अभी तक के इतने लंबे अंतराल के बाद भी बम विस्फोट नहीं कर सके, विश्व युद्ध नहीं कर सके, चतुर्थ विश्व युद्ध नहीं कर सके, ये तृतीय विश्व युद्ध भी भारत के आसपास के देशों में होता है, परंतु वो एटमिक एनर्जी का युद्ध नहीं है, है माया का युद्ध है। जो गीता कहा है उनको, हे अर्जुन कामेश क्रोधेश गुण संभव है, तेरे शत्रु हैं, तू इनको जीत ले। गीता में इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी मनुष्य गुरुओं की बुद्धि नहीं चली कि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराते हैं या माया का युद्ध कराते हैं। ये माया इसे काम क्रोध लोगों का संघात कहा जाता है, ये मनुष्यों में भी होती है पुरुषों में, लेकिन अकेले पुरुषों में वो माया काम नहीं कर सकती, स्त्रियों में भी होती है। वो एक रूप बनाया है चित्रकारों, 10 सिर का रावण, 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री, मान लो काम विकार ही है, किसी पुरुष में काम विकार भरा पड़ा है तो क्या उस काम विकार को वो अकेले भोग सकता है, उसे क्या चाहिए, स्त्री चोला चाहिए या नहीं चाहिए? तो स्त्री को मंदोदरी के रूप में दिखता है, मंदोदरी मंद है जिसका बुद्ध रूपी पेट, उतनी नहीं चलती, मन उतना तीव्र नहीं है, इंद्रियां भी उतनी शक्तिशाली नहीं है। कलयुग के अंत में जो स्त्री जाती है वो
पुरुष है जिनको रावण के पांच मुख दिखाए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पुरुष प्रबल होने के कारण इंद्रियों से स्त्री जाति को अबला बना देते हैं। उसी स्त्री जाति को भगवान बाप आकर के शिव शक्तियां बनाते हैं और उन शिव शक्तियों के द्वारा नई दुनिया का उद्घाटन करा, उन्हीं शक्तियों द्वारा औरों का कार्य भी कराते हैं जिन शिव शक्तियों में महाकाली गाई हुई है। वो क्या करती है संसार के जितने भी दुखदायी पुरुष हैं, सारी दुनिया सारे पुरुष दुखदायी, क्या करती है सभी असुरों का खात्मा कर दी। कोई गला स्थूल काट करके खात्मा करने की बात नहीं है, ये बेहद की बात है, बैठ करके समझने की बात है कि वो ही जो नौ देवियां गाई हुई हैं, नौ धर्म से विशेष आत्माएं चुनी हुई, वो नौ देवियां जिनमें एक महारानी गाई जाती है राधा रानी और बाकी आठ पट्टानियां गाई जाती है। मतलब पुरुषार्थ करते करते अंत में जब परीक्षा होती है मां की आखिरी फाइनल पेपर होता है तो वो पट्ट में गिर जाती है नंबर वार, इसलिए वो नंबर वार देवियों के रूप में दिखाई जाती हैं। लेकिन हैं तो देवियां नंबर वार देवियों का पद लेते हैं, उनमें जो लास्ट देवी है नौ देवी नौ दुर्गा पूजन में जिसका लास्ट में पूजन होता है महाकाली, समझ में आ सकता है। पुरुषार्थ जीवन में एक आत्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, आत्मा ज्योति को परमपिता परमात्मा की ऊंची स्टेज धारण करती है तो सत्व प्रधान बनती है। सत्व प्रधान देवी लक्ष्मी के रूप में पहली देवी के रूप में पूजी जाती और वही जब पुरुषार्थ में नीचे गिरती है तो तामसी महाकाली गाई जाती है जिसका रूप दिखाते हैं कि भुजाओं को काट काट के अपने कमर की जा को बचाती है। किसकी भुजा को काटती है? भगवान की जो सहयोगी भुजा है, भुजाओं को सहयोग कहा जाता है। भगवान जो सहयोगी भुजाएं बनती हैं, उन भुजाओं को भी काट लेती है और अपना सहयोगी बनाती है। काले मुंह वाली देवी कही जाती है, भारत में प्रसिद्ध है महाकाली और उसके मुकाबले महागौरी। महागौरी कौन है? है राधा। और महाकाली कौन है? वो ही जगदम्बा जो सत्य प्रधान पुरुषार्थ में एक भगवान की बनकर के रहती है और दुर्गा का रूप धारण करती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा। वो ही जब तामसी स्टेज में आती है तो महाकाली जगदम्बा जगत की अम्मा बनती है। एक कहते हैं भारत माता, किसकी माता? भारतवासियों की माता। और उसके मुकाबले दूसरी है जगत माता जगदम्बा।
बताओ। जगत माता जगदम्बा है, टाइटल मिला हुआ है तो सब धर्मों की अम्बा हुई या सिर्फ श्रेष्ठ भारतवासियों की अम्बा हुई? सारे जगत की अम्बा। अब सारे जगत की अम्बा है तो सब धर्मों को जन्म देने वाली कौन हुई? भारत माता जगदम्बा। तो जगदम्बा का जो प्रारूप है, सबसे पहला रूप, वो ब्रह्मा के रूप में गाया हुआ है। ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां, बड़ी से बड़ी मां, उसको ब्रह्मा कह दो या जगदम्बा कह दो, बात तो एक ही हो गई। तो जो जगदम्बा है वो है अगला रूप, और ब्रह्मा है वो पहला रूप। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाला है। दाढ़ी मूंछ विकारी मनुष्यों को होती है या निर्विकारियों की होती है? विकारियों को दाढ़ी मूंछ होती है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं होते हैं भारतवर्ष में, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, और ब्रह्मा को आप कोई याद भी नहीं करता है।